तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम कटरा से शिवखोड़ी की यात्रा करेंगे और शिवखोड़ी जाते समय बीच में जो भी अट्रैक्शन आएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस वक्त मैं कटरा से 5 किलोमीटर आगे आया हूं और यहां पर एक गांव है जिसका नाम है अगार बाबा जित्तो। यहां पर एक पहले बाबा जी हुआ करते थे जिनका नाम था जित्तो बाबा, तो उनके नाम पर इस गाँव का नाम पड़ गया। तो ये पहला पॉइंट है हमारा। इसके बाद में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और शिवखोड़ी तक जाते जाते जो भी मेन पॉइंट आएंगे वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं। तो ये मुख्य प्रवेश द्वार है श्री अगार बाबा जित्तो। तो चलते हैं मंदिर में। तो ये बाबा जित्तो का बड़ा सा मंदिर है। तो ये बाबा जित्तो की मूर्ति है सामने। तो हमारे साथ यहाँ प्रीतम शर्मा जी है जो कि इस मंदिर में पंडित जी है, तो इनसे इस मंदिर के बारे में जानते हैं। बाबा जित्तो जी छोटी उम्र में 5 साल के थे, माता वैष्णो की 12 साल इन्होंने तपस्या की और वरदान में इन्होंने जल मांगा है। तो उधर नहाने से, स्नान करने से, पीने से, जिसके घर में औलाद नहीं है, जहाँ जिसका कारोबार नहीं चलता, कोई बीमार है, तो जल पीने से, छिड़कने से सब मनोकामना पूर्ण होती है। जब माता वैष्णो जी का अवतार है, बुआ गौरी जी हैं, तो ऐसे इनको प्यार से कोड़ी बोलते हैं। अच्छा। ये कमल के फूल से पैदा हुई हैं ये। अच्छा। तो जहाँ सब मनोकामना पूर्ण होती है। बाकी इधर बोर्ड पे लिखा है, उधर आप पढ़ सकते हो। जय बुआ की, जय बाबा जी की, जय बाबा जी। ये बाबा जित्तो की मूर्ति है और इसके पास में ये बाबा जित्तो के साथ में बुआ कोड़ी है। ये राजा गुंडलिक जी है जिन्हें गुगा वीर भी कहते हैं, जो बाबा जित्तो के कुल देवता थे। ये एक मंदिर और है जो कि माता वैष्णो देवी का है। तो ये बाबा जित्तो का मंदिर है और मैं बाहर आ गया हूँ और यहाँ पर सारी दुकानें हैं प्रसाद के लिए और जल मिलता है, यहाँ से सभी लोग जल लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर और भी मंदिर है, सामने काली माता का मंदिर है और इस तरफ में शिव मंदिर है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, बाबा जित्तो जी यहाँ पर स्नान करते थे और बुआ कोड़ी वैष्णो शक्ति जी का जन्म इसी धारा के पास कमल के फूल पगड़ी में हुआ। ये आसन है जो बाबा जित्तो के समय का है और यहाँ पर भी पूजा वगैरह होती है और ये जल की धारा है, यहाँ पर बाबा जी स्नान करते थे। ये संतान पैदा होती है बाबा जी, इसीलिए भक्ति करके 12 साल भक्ति माता वैष्णो का ऐसा जल देना, पीने का, चलैमत लेने का, दुनिया ने पाप कष्ट दूर होने मांगिया, मुरादा पूरी होन। अच्छा। जिन्हें मामे के घर बच्चे नहीं होते वो स्नान करके उनको बच्चे मिलना चाहिए। अच्छा। माता जी माता वैष्णो बोले जी ऐसा ही होगा, जिनका मामे के घर बच्चे हो गए, मर जाते हैं, गुजर जाते हैं, वो माँ पुत्र का बछोड़ा सह नहीं सकती है, वो इधर आएगा स्नान करेगा, उसकी झोली भर जाएगा, उसमें बच्चा मिल जाएगा। तो ये 7 धारा हैं जहाँ पर सभी लोग स्नान करते हैं, उसमें से एक मुख्य धारा है जो मैंने आपको बताया, जहाँ पर बाबा जित्तो नहाते थे। बाकी ये पेड़ भी काफ़ी पुराना है, देखो आप, बहुत ही पुराना वृक्ष है ये। तो हम फिर से बाबा जित्तो मंदिर पर आ गए हैं। इस मंदिर के पास में यहाँ पर एक बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है सामने। तो ये बाबा जित्तो की ऊँची सी मूर्ति है और ये जहाँ देख रहे हैं वहाँ पर माता वैष्णो देवी का दरबार है ऊपर पहाड़ों में आगे। तो ये मूर्ति कुछ इस तरह से बनाई गई है कि बाबा जित्तो वैष्णो देवी की तरफ देख रहे हैं पहाड़ों में और उनके हाथ के नीचे बुआ कोड़ी है जो कन्या कमल के फूल से पैदा हुई थी, माँ वैष्णो देवी का जो रूप था वो। तो ये पेड़ देखो आप, ये एक पेड़ दिखता है दूर से लेकिन एक के अंदर में 13 पेड़ है। मुख्य पेड़ जो है वो पीपल का है लेकिन उसके आसपास में और भी काफ़ी सारे पेड़ है, तो ये एक पेड़ में 13 पेड़ है। यहाँ पर बाबा जी के समय का है, उन्होंने इसे लगाया था और ये कभी नष्ट नहीं होता है। तो बाबा जित्तो मंदिर के हमने दर्शन किए और अभी हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। मैं कटरा से शिवखोड़ी टैक्सी में जा रहा हूँ, मैंने टैक्सी रेंट पर ली है और इसका जो रेंट है वो एक दिन का 2500 रुपये है। तो 2500 से 3000 के आसपास आपको टैक्सी मिल जाती है प्राइवेट, और अगर आपको बस से जाना है तो कटरा से शिवखोड़ी के लिए बस भी चलती है, उसमें करीब 250 से 300 रुपये का किराया है। सुबह 9 और 11 बजे के आसपास 2 बस चलती है कटरा से शिवखोड़ी के लिए, और अगर ज़्यादा सीजन होता है तो बसें एक्स्ट्रा भी हो जाती है, लेकिन 2 बसें तो रोज़ चलती है। तो हम जित्तो बाबा मंदिर से करीब 2.5 किलोमीटर आगे बढ़े हैं और यहाँ पर है नव देवी मंदिर।
तो ये शिव गुफा है। तो वो शिव जी की गुफा थी जहाँ हमने दर्शन किए, और ये नव देवी की गुफा है। तो ये माता की गुफा है नवदेवी मंदिर की। यहाँ पर हमें बैठते बैठते जाना पड़ता है। काफी सगड़ी गुफा है, देखो आप। जिन नौ माता जी के दर्शन है, चंदन के तिलक लगे हैं, मुकुल लगे हैं छोटे छोटे नौ, जिन नवरात्रों वाली नव दुर्गा जी हैं, एक साइड में गणेश जी के दर्शन है, एक साइड में अच्छा। पीछे कोने पे पांच पांडव जी हैं, एक सामने हैं, चार उन्हीं के पीछे हैं अच्छा। इनके नाम है शलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटे, कुष्माण्डे, स्कन्दमाते का, त्रिअन्निक, कालात्री, महागौरी, सिद्धात्री, नौ माता जी के नौ रूप हैं जी अच्छा। नौ माता जी एक साथ में विराजमान हुई हैं। इधर एक ही जगह पे माता जी ने दर्शन दिए हैं, नौ देवियाँ। जो भक्त नहीं जा पाते हैं अलग अलग स्थानों में, एक ही जगह पे दर्शन हो जाएंगे। मंदिर के पास में यहाँ पर माता जी के चरण है, और ये कुदरती है, देखो आप, चट्टान के रूप में ये चरण बने हुए माता जी के, और पूरा इसका शेप भी चरण जैसा ही है, पैरों जैसा ही है। तो ये माता जी के चरण है, और यहाँ पर ये मूर्ति बनी हुई है माता की। ये शेर के पंजे है, देखो आप, आपको दिख रहा होगा। और एंड में जो आपको वहाँ पर सामने दिख रहा है, ये शिव जी है, शिव जी पार्वती साथ में बैठे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर गणेश जी है। ये पूरी कुदरती मूर्ति है जो कि चट्टान से बनी हुई है, देखो आप। तो मैं गुफा से बाहर जा रहा हूँ, और काफ़ी छोटी और सकड़ी गुफा है, लेकिन बहुत चमत्कारी और रहस्यमय गुफा है ये। तो यहाँ से हम गुफा से बाहर आए हैं, ये रास्ता है, और यहाँ से अभी हमें आगे बढ़ना है, बाहर जाने का रास्ता ये है। तो यहाँ पर हमें नौ देवी के साथ में दर्शन हो जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। और ये नौ देवी मंदिर कटरा से करीब 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें और काफ़ी बढ़िया दर्शन हुए। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो नौ देवी मंदिर से करीब मैं 3 किलोमीटर आगे आया हूँ। जब हम नौ देवी मंदिर से आगे बढ़ते हैं, तो 2 किलोमीटर तक मेन रोड पर चलना होता है, उसके बाद में लेफ़्ट साइड पर एक रोड जाता है, वहाँ से जब हम 1-1.5 किलोमीटर नीचे उतरते हैं, तभी ये जगह आती है। और इस जगह का नाम है बाबा धनसर, ये धनसर गाँव है, और यहाँ पर बाबा धनसर का मंदिर है, गुफा मंदिर है। नीचे यहाँ पर नदी बहती है, देखो आप, कितना सुंदर नज़ारा है। तो हम इन सीढ़ियों से होते हुए नीचे पहुंच गए हैं, करीब 250 के आसपास सीढ़ी है, और ये बाबा धनसर जो शिव गुफा है उसका मुख्य प्रवेश द्वार है। बहुत ही प्राकृतिक जगह है, देखो आप, ऊपर से पहाड़ों से पानी आ रहा है बहता हुआ। तो ये है बाबा धनसर जी का मंदिर, अंदर चलते हैं। तो हम इस वक्त बाबा धनसर जी के मंदिर में हैं, जो कि धनसर गांव में, मैंने आपको बताया। और यहाँ पर हम पंडित जी से जानते हैं इस मंदिर के बारे में और इस गुफा के बारे में। बोलिए बाबा धनसर महाराज की जय। जय है महाराज बाबा धनसर जी, जे साथ में चंडी माता हैं। बाबा धनसर जी शेषनाग के अवतार हैं, भोले शंकर के भगत हैं, जे नाग देवता हैं बाबा जी, ये वासुकी नाग के बेटे हैं और इस झील के अंदर विराजमान हैं। कभी कभी साक्षात दर्शन भी देते हैं नाग रूप में। ये जो मूर्तियां हैं सब बाबा की प्रतिमाएं हैं। बाहर जो ये झरने बह रहे हैं इसको बोलते हैं गुप्त गंगा। ये 12 मास इसी स्पीड से चलते हैं, पीछे कोई नदी नाला नहर कुछ नहीं, ये पत्थरों से जल निकल रहा है, 12 महीने ऐसे ही चलता है। महाशिवरात्रि का इधर बड़ा मेला लगता है। ये 1000 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं, बाहर जो है वो लेटेस्ट है, जो हर साल निर्जला एकादशी के दिन ही चढ़ाई जाती हैं। बाबा हमारे कुल देवता हैं, तो हमारे कुल में ये प्रथा है, बड़े बेटे की खुशी में ऐसी एक मूर्ति चढ़ाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय।
बाबा धनसर जी मंदिर में हमने दर्शन किए, काफ़ी बढ़िया दर्शन हुए और पंडित जी ने हमें विस्तार से इसके बारे में बताया। और ये जो जगह है इसे कहते हैं गुप्त गंगा। ये जो पानी आ रहा है ये गुप्त है, ये पहाड़ों में से पानी आता है और बिल्कुल प्राकृतिक है। और अभी हम यहाँ से पवित्र गुफा में जाते हैं। मंदिर के ठीक सामने से ये रास्ता जाता है पवित्र गुफा के लिए। यहाँ पर भी झुक के चलना होता है। तो ये पवित्र गुफा है। तो पंडित जी राहुल शर्मा जी है, ये हमें इस गुफा के बारे में बताएंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जो सामने शिव पार्वती जी हैं, एक साइड गणपति, एक साइड कार्तिकेय जी हैं। जो कैलाश पर्वत है, शेष नाग है, बासुकी नाग है, कामधेनु गाय के चार स्तन है, गरुड़ देव है, सामने गंगा माता है। जो भोले बाबा जी का शंख है, जो डमरू है, भोले बाबा जी प्रकट हुए थे अपने पूरे परिवार के साथ बाबा धनसर जी की भक्ति से प्रसन्न होके। और जब इनके दर्शन बाबा धनसर जी को हुए तो इनकी जटाओं से गुप्त गंगा की धाराएं गिरी। ये जो आप बाहर जल देख रहे हैं ये गुप्त गंगा जल है, जहाँ पे पूरे शिव परिवार के दर्शन है। प्राकृतिक पिंडियों के स्वरूप में आप कोई भी मनोकामना करें तो बाबा जी आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। बोले सच्चे दरबार की जय। तो ये भोले बाबा की गुफा है जहाँ पर हमने दर्शन किए। वैसे हमने पहले यहाँ पर बाबा धनसर जी मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद में हम यहाँ पर गए गुफा में, लेकिन पहले हमें यहाँ गुफा में जाना होता है। और भोले बाबा के दर्शन करने के बाद सपरिवार भोले बाबा यहाँ पर विराजमान है, हमें बताया गया पंडित जी से, और उसके बाद में फिर हमें यहाँ आना होता है बाबा धनसर जी के मंदिर में। और हज़ारों लाखों साल पुरानी ये गुफा है जो हमने अभी देखी, तो बहुत अच्छी जगह है और बिल्कुल नेचर के बीच में है। सारा बिल्कुल यहाँ पर जंगल है आसपास में। तो बाबा धनसर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहाँ से मैं बाहर आ गया हूँ और यहाँ से ये सीढ़ी नीचे की तरफ जाती है। यहाँ पर नीचे नदी है जो मैंने आपको ऊपर से बताई थी। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर भी व्यू मिलता है देखने को। तो मैं नीचे की तरफ आ गया हूँ और ये बहुत ही प्यारी नदी बह रही है, इसे ज्ञान गंगा कहते हैं। मंदिर के पास में जो थी वो गुप्त गंगा थी और ये ज्ञान गंगा है। तो मैं ऊपर की तरफ जा रहा था सीढ़ियाँ चढ़ के, लेकिन थोड़ी थकान हो गई। सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ी थकान हो जाती है, नॉर्मल रास्ते पर चढ़ते तो लगता नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर नींबू शरबत बनवा रहे हैं हम, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। पूरा भर दिया लबा लब आपने तो। तो हम पहुंच गए हैं शिव खोड़ी के पास में। शिव खोड़ी की गुफा यहाँ से 3.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों में है। 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है, यात्रा है। तो ये जगह रणसू है, एक गांव है जिसका नाम रणसू है, और यहाँ से शिव खोड़ी की यात्रा शुरू होती है। मैं यहाँ टैक्सी से आया हूँ इसलिए सीधा रणसू आ गया। और अगर आप बस से आते हो तो आपको बस पीछे उतारती है, करीब यहाँ से 1.5 किलोमीटर पीछे, और वहाँ से फिर आपको इस तरह की टैक्सी में आना होता है जो आपसे 20 रुपया चार्ज करती है आने जाने का। तो यहाँ पर ये काफ़ी सारे ढाबे बने हुए हैं, अगर आपको चाय नाश्ता या खाना वगैरह खाना है तो आप यहाँ पर खा सकते हो। चावल मिलेंगे, दही चावल? हाँ, मुझे दही चावल दे दो ना थोड़े। एक्चुअली मेरा पेट थोड़ा ख़राब हो गया है कल से, तो मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ। कल रात को भी मैंने कुछ नहीं खाया था और आज सुबह भी कुछ नहीं खाया, और अभी लगभग दोपहर के 2 बज गए हैं। तो ऊपर जाना है हमें, 3.5 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो थोड़ी एनर्जी चाहिए शरीर में। तो मैंने यहाँ पर दही चावल मंगवाए हैं, दही चावल खाएँगे और उसके बाद हमारी शिव खोड़ी की यात्रा शुरू करेंगे। तो ये हमारे दही चावल आ गए। तो बढ़िया से दही चावल खा लिए और शांति मिल गई थोड़ी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी।
लेकिन कल से मैं डरा हुआ हूँ क्योंकि पेट खराब है तो कुछ खा नहीं रहा था। अभी भी थोड़ी शंका है कि गड़बड़ नहीं हो जाए, लेकिन भोलेनाथ का नाम लेते हैं और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर, इस तरफ में है आगे। अगर हम पैदल जाते हैं तो एक घंटा लगता है। घोड़े का 500 रुपया रेट है और पालकी का 1000 रुपया रेट है। ये है शिवम द्वार, तो हम उस तरफ से आए हैं और ये शिवम द्वार है। यहाँ से हमें पैदल यात्रा शुरू करनी होती है, लेकिन पैदल यात्रा शुरू करने से पहले हमें यहाँ पर यात्रा रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो ये काउंटर है, यात्रा पंजीकरण कक्ष है यहाँ पर। तो हमने यात्रा पर्ची ले ली है, अभी हम हमारी यात्रा शुरू करते हैं। तो मेन गेट से अंदर आ गए हैं। यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है, 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है ये और पौने का काउंटर 100 मीटर है आगे। यहाँ पर अगर आपको घोड़ा बुक करना है तो आप यहाँ से बुक कर सकते हो। तो सुंदर रास्ता है ऊपर जाने का, देखो आप। चलते चलते साथ में हमारे नदी भी चलती है पास में, और यहाँ पर भी बंदर बहुत सारे हैं, तो बैग वगैरह संभाल कर जब भी आओ कभी। तो मैंने आपको बताया ये रास्ता बहुत सुंदर है यात्रा का, कितना बढ़िया नज़ारा है, वाह। ऊपर पहाड़ है और नीचे से यहाँ से नदी आ रही है और बहुत ही सुंदर व्यू है। जब मैंने शुरू किया तो मैं थोड़ा थका थका सा महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं इस ट्रैक पर आया, यात्रा पर आया, तो मेरी थकान कम हो गई। यहाँ के जो नज़ारे हैं वो बहुत बढ़िया है, शानदार औसम नज़ारे हैं। तो ये राम मंदिर है, नीचे से जब हम 1.5 किलोमीटर ऊपर आते हैं यात्रा करके, तब ये राम मंदिर आता है। तो बड़ी प्यारी मूर्त है, राम जी सीता जी है और साथ में लक्ष्मण जी भरत जी हनुमान जी है। तो राम मंदिर में हमने दर्शन किए और ये जगह बहुत ही बढ़िया है। नदी के किनारे पर ये मंदिर बना हुआ है, देखो ये नदी मैंने आपको बताई थी, उस ब्रिज से हम आए हैं इस तरफ में। तो ये जो नदी हमारे साथ साथ में चल रही है, मैंने आपको बताया, इसे शिव गंगा कहते हैं और कहते हैं कि ये शिव बाबा के चरणों से निकलती है, शिव खोड़ी से। हेलो, आगे शिव गंगा थी और यहाँ पर ये दूध गंगा इसे कहते हैं। तो ये दूध गंगा है यहाँ पर नीचे। तो यहाँ से सीढ़ी से ऊपर जाना है, लेकिन हम घूम कर जाएंगे क्योंकि सीढ़ी से बहुत थक जाते हैं। तो ये घोड़ा स्टैंड है, अगर हम घोड़े से आते हैं तो घोड़े हमें यहाँ पर उतारते हैं और उसके बाद हमें गुफा की तरफ आगे जाना होता है। गुफा यहाँ से केवल 5 मिनट की दूरी पर है। तो ये करीब 70 सीढ़ी है, जब हम ये सीढ़ी चढ़ जाएंगे तो उसके बाद हमें गुफा नजर आएगी। तो वहाँ पर गुफा है आगे।
तो यहाँ पर 3.5 किलोमीटर की यात्रा पूरी होती है और हम गुफा तक पहुँच गए हैं। यहाँ पर ये लाड़ू प्रसाद की दुकान है, अगर आपको प्रसाद वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। और उसके अलावा और भी काफ़ी सारी दुकानें हैं और यहाँ से आगे गुफा का रास्ता है। तो सामने गुफा है और यहाँ पर ये यात्री गुफा के लिए खड़े हैं जाने के लिए। तो यहाँ से अगर हम जाते हैं तो हमें गुफा के अंदर होते हुए घूमते हुए दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है गुफा के अंत तक। तो ये गुफा का मुख्य रास्ता है और एक रास्ता इस तरफ भी बनाया गया है जो सीधा हमें दर्शन के लिए लेके जाता है, जहाँ पर हमें गुफा में अंदर नीचे नहीं होना पड़ता। सीधे जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो भगवान शिव के सामने पहुँच जाते हैं, शिवलिंग के सामने पहुँच जाते हैं। तो दो रास्ते हैं यहाँ पर गुफा में जाने के। तो मैं कैमरा मोबाइल सब कुछ यहाँ क्लॉक रूम में रखूँगा, क्योंकि इससे आगे कैमरा मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। और उसके बाद मैं दर्शन करके आता हूँ और फिर मैं आपको गुफा के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर ये जूता चप्पल रखने का स्टैंड बना हुआ है और इस तरफ में ये क्लॉक रूम बने हुए हैं और क्लॉक रूम बिल्कुल फ्री है। तो ये क्लॉक रूम है, यहाँ पर हमें अपना मोबाइल कैमरा और बैग सब कुछ जमा करना होता है। तो मैं गुफा में दर्शन करके आया और काफ़ी अच्छे दर्शन रहे और काफ़ी शांति से दर्शन हुए क्योंकि भीड़ ज़्यादा नहीं है। हालांकि मैं इस तरफ से नहीं गया, ये जो मुख्य गुफा की एंट्री है यहाँ से नहीं गया, यहाँ पर थोड़ी भीड़ है और यहाँ पर गुफा काफ़ी सकड़ी है तो दर्शन करने में एक एक लोगों को छोड़ते हैं। तो अगर मैं यहाँ से जाता तो 1.5 से 2 घंटे लगते, लेकिन मैं इस तरफ से गया था तो जैसे ये सीढ़ियाँ ख़त्म होती है वहीं से गुफा स्टार्ट होती है। मैं इस मुख्य गुफा से इसलिए नहीं गया क्योंकि एक तो समय ज़्यादा लगता और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि मेरा पेट गड़बड़ है, वैसे ही पेट में गुड़गुड़ हो रहा है और मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ से नहीं गया। बाकी मेरी बहुत इच्छा थी मैं यहाँ से जाऊँ। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है इसीलिए मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाया, लेकिन अंदर बहुत ही बढ़िया और बहुत ही रहस्यमय चीज़ें हैं। मैंने जहाँ तक देखा है उसमें एक शिवलिंग है मुख्य, जिसमें शिव और पार्वती है जो कि एक पिंडी स्वरूप में है, करीब 3 फीट का शिवलिंग है वो। उसके बाद में गणपति जी है और 33 करोड़ देवी देवता है, कामधेनु माता के स्तन है जहाँ से दूधिया पानी टपकता है और शिवलिंग पर गिरता है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे याद भी नहीं है। तो बहुत ही ये रहस्यमय गुफा है और बहुत ही पुरानी गुफा है ये, और इसका नाम शिव खोड़ी है। तो खोड़ी का मतलब होता है गुफा, तो ये शिव की गुफा शिव खोड़ी। और अंदर एक रास्ता है जो कहते हैं कि इस गुफा से सीधा अमरनाथ को निकलता है, और इस शिव खोड़ी गुफा को मिनी अमरनाथ भी कहा जाता है। इससे पहले हम धनसर बाबा गए थे तो उसे मिनी शिव खोड़ी कहा जाता है, और ये मिनी अमरनाथ है जो कि शिव खोड़ी है। तो इस गुफा के पीछे की एक पौराणिक कथा है और कथा कुछ इस तरह से है, एक राक्षस था और उसने शिव जी की घोर तपस्या की जिससे शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तो राक्षस ने शिव जी से वरदान में ये कहा कि मुझे युद्ध में मैं कभी नहीं हारूँ और मुझे कुछ ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं किसी से पराजित ना हूँ और जो भी मेरे सामने युद्ध करने आए वो जलकर भस्म हो जाए। तो शिव जी ने उसे तथास्तु कहा और उसके बाद वो राक्षस काफ़ी बलशाली हो गया और उसका नाम पड़ गया भस्मासुर, क्योंकि वो जिस किसी के सर पर अपना हाथ रख देता वो भस्म हो जाता। तो उसके बाद वो राक्षस काफ़ी बलशाली हो गया और उसे अपने शक्ति पर घमंड हो गया। तो एक बार वो शिव जी के वहाँ पर गया तो उनने माता पार्वती को देखा और वो माता पार्वती पर मोहित हो गया और शिव जी से कहा कि मैं इनसे शादी करूँगा और शिव जी को भस्म करने के लिए आगे बढ़ा। तो शिव जी को पता था कि उन्होंने उसे वरदान दिया है तो वो उसे हरा नहीं पाएंगे और अगर उसने गलती से शिव जी के ऊपर हाथ रख दिया तो शिव जी भी भस्म हो जाएंगे। तो भस्मासुर से बचने के लिए शिव जी कैलाश छोड़कर जंगलों में पहाड़ों में आ गए अपने परिवार सहित, और उसके बाद में कहते हैं कि शिव जी यहाँ पहुँचे और यहाँ पर नीचे मैंने आपको एक गांव बताया था जिसका नाम है रणसू। तो कहते हैं कि यहाँ पर भस्मासुर और शिव जी के बीच में लड़ाई हुई थी, शिव जी को पता था कि उसे उन्होंने वरदान दिया है तो वो जीत नहीं पाएंगे, तो वहाँ से ऊपर पहाड़ों में आ गए अपने परिवार के साथ में और फिर यहाँ पर आके उन्होंने अपने त्रिशूल से चट्टान में वार किया। तो उनके त्रिशूल के वार से इस चट्टान में काफ़ी गहरा छेद हो गया, एक गुफा बन गई और उसके बाद शिव जी इस गुफा में चले गए। फिर विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप लिया और वो भस्मासुर के सामने आए, भस्मासुर उन्हें देखकर मोहित हो गया और विष्णु भगवान उनके साथ में नृत्य करने लगे मोहिनी के रूप में। नृत्य करते करते विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप में ऐसी कला बनाई कि ये हाथ सर पर आ जाए, तो भस्मासुर ने भी यही स्टेप फॉलो किया, उनका हाथ अपने सर पर आ गया और वो वहीं पर भस्म हो गया। तो ये पौराणिक कथा थी शिव खोड़ी की और ये गुफा स्वयं शिव जी ने अपने त्रिशूल से छेद कर बनाई थी ऐसा कहते हैं। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ने का वक्त हो गया है और इस वीडियो को भी ख़त्म करने का समय हो गया है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें आपने कटरा से शिव खोड़ी का सफ़र देखा और उसके बीच में जो भी मुख्य अट्रैक्शन है, जो मुख्य मंदिर है वो मैंने आपको बताए और उसके बाद में अंत में ये शिव खोड़ी की गुफा बताई। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया।
तुम्हारा खूब खूब आभार। आप जो